सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। आज हम देख रहे हैं आपका अर्बन क्रूज हाई राइडर। ये टॉप ऑफ द लाइन है, वी वेरिएंट है, 17,29,000 एक्स शोरूम आपको फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। केव ब्लैक कलर है जो आप देख रहे हैं। गाड़ी में हमें सनरूफ मिल जाता है, ईवी मोड मिल जाता है। इस सेगमेंट में हमें और भी गाड़ी मिल जाती है, जैसे आपका क्रेटा सेल्टोस वगैरह भी गाड़ी आती है। बट क्रेटा सेल्टोस वगैरह से अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल देखें तो क्रेटा सेल्टोस से आपको इसकी लेंथ भी ज़्यादा मिलेगी, विड्थ भी ज़्यादा मिलेगी और हाइट भी ज़्यादा मिलेगी। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है हमें, जो कि क्रेटा सेल्टोस में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। व्हील बेस वगैरह भी उससे अच्छा बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। लेंथ विड्थ हाइट मैं इसकी डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी लेंथ विड्थ हाइट है। बाकी क्रेटा सेल्टोस सेगमेंट पे गाड़ी जरूर है, बट उससे गाड़ी थोड़ी लंबी चौड़ी देखने के लिए मिल जाती है, व्हील बेस भी ज़्यादा मिल जाता है। ऑफर क्या क्या करती कंपनी में, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे हमें रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं ऊपर, पहले आपको दिखा दूँ। पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सनरूफ है, एक एसयूवी सेगमेंट का सनरूफ मिलता है। सिल्वर रूफ रेल्स मिल जाते हैं, इतना बड़ा पैनारोमिक सनरूफ आपको किसी और गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जबकि आप जानते हैं कि सेल्टोस में तो आपको एक छोटा सा सनरूफ मिलता है, क्रेटा में पैनारोमिक मिल जाए, बट इतना बड़ा उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका शार्क फिन एंटीना कुछ इस तरह से ग्लास व्यू आता है, रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, यहाँ कुछ इस तरह से बोनट व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपका ग्रिल थोड़ा डिजिटल मिलेगी आपको, बंद टाइप की मिलेगी, जिस पर डिजाइनिंग भी देखने के लिए मिलेगी, टोयोटा का लोगो। यहाँ पे आपको गार्निश ट्रीटमेंट मिलेगा ग्रिल के ऊपर। फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री व्यू इसमें हम देख सकते हैं। लोअर ग्रिल भी आपको ग्लोसी में देखने के लिए मिलेगी, जो स्किड प्लेट है नीचे वाला पार्ट है ये ग्लोसी ग्रे में देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पे आपका DRLs मिल जाएंगे, DRLs के बीच में भी गार्निश का वर्क मिलेगा, यही आपका इंडिकेटर वर्क मिल करेगा। ऑटो हेडलैम्प LED बेस प्रोजेक्टर मिल जाता है हमें, इसमें ऑटो हेडलैम्प का फीचर आता है। यहाँ सराउंडिंग आपको गार्निश मिलेगा और लोअर पार्ट में ब्लैक, कुछ इस तरह से गाड़ी का साइड प्रोफाइल मिलेगा। प्लेन फेंडर मिलेगा, क्लैडिंग मिलेगी, फ्रंट डिस्क, रेयर भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, टायर साइज भी अच्छा मिल जाता है हमें इसमें देखने के लिए। 215/80/17 का टायर साइज मिल जाता है, 17 इंच का अलॉय मिल जाता है। डोर्स पे, ड्राइवर डोर पे भी आपको हाइब्रिड की वार्निंग मिलेगी और को ड्राइवर साइड भी हाइब्रिड की। ORBM ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टर मिलेंगे विद इंडिकेटर और नीचे कैमरा 360 डिग्री के लिए। ए पिलर सेम बॉडी कलर मिलेगा, बी पिलर बेड ब्लैक इसमें देखने के लिए मिलेंगे, जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको सेम बॉडी कलर में मिलेंगे। कैब जो डोर हैंडल्स हैं सेम बॉडी कलर मिलेंगे आपको। टिंटेड ग्लासेस मिल जाएंगे देखने के लिए, यहाँ गार्निश मिलेगा। ड्राइवर डोर बीडिंग से स्टार्ट होगा, जो कि आपका क्वार्टर पैनल तक मिलेगा आपको। ड्राइवर को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। फुटरेस्ट ये एसेसरीज का पार्ट है। रेयर भी डिस्क मिलेंगे जैसा मैंने बताया आपको, ये क्वार्टर पैनल ग्लास देख सकते हैं ब्लैक में, ये पार्ट भी आपको ब्लैक में मिलेगा देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। केव ब्लैक में आपको ये स्पार्कल्स हो रहा है, थोड़ा शाइन भी कर रहा है। वहीं गाड़ी के रेयर लुक पाएंगे तो LED बेस्ड टेल लैंप्स मिलेंगे, नीचे आपका इंडिकेटर, स्टॉप लैंप, रिफ्लेक्टर, वी की मार्किंग, टॉप ऑफ द लाइन है तो वी हाइब्रिड इन्होंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। वहीं बूट गेट पे ना आपको गार्निश वर्क भी देखने के लिए मिलेगा, गार्निश वीडिंग मिलेगी जो कि दोनों रेयर टेल लैंप्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। रेयर टेल लैंप्स का पार्ट आपको बूट गेट पे भी देखने के लिए मिलेगा, नीचे बी हाइब्रिड की मार्किंग दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पे आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा, टोटल 4 पार्किंग सेंसर पॉइंट किए हुए हैं। स्किड प्लेट ग्लोसी ग्रे में मिल जाएगी, अर्बन क्रूजर हाई राइडर की मार्किंग। यहाँ पे आपका रेयर वाइपर, रेयर डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर भी दिया हुआ है, कुछ कुछ स्पॉइलर जैसा है, बट स्पॉइलर का थोड़ा साइज कम कर दिया उन्होंने, बाहर की तरफ निकला नहीं हुआ। ऊपर आपका शार्क फिन एंटीना, इधर आपका फ्यूल टैंक, ये साइड भी आप गाड़ी देख सकते हैं। फुटरेस्ट जैसा मैंने बताया आपको, ये आपका एसेसरीज का पार्ट है। को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा 360 डिग्री व्यू के लिए, इस साइड भी कैमरा। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो कुछ इस तरह की मिल जाती है, स्मार्ट की, लॉक अनलॉक। ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो पूरा ही ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में हमें इसका इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका ट्विटर की प्लेसमेंट, डोर ओपनर, यहाँ स्टाइलिंग किट की एक बीडिंग टाइप देखने के लिए मिलेगी। इसे अगर आप एसेसरीज में लगवाते हैं तो इसको स्टाइलिंग किट बोलते हैं एसेसरीज वाले। डोर ओपनर गार्निश में, लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो मिलेंगे, ड्राइवर ऑटो डाउन, बाकी तीनों पावर विंडो, ORBM कंट्रोल यूनिट, डोर एक्सेस हैंडल, ये आपका ग्रैब हैंडल। यहाँ पे ड्राइवर ट्री में हमने सॉफ्ट टच में देखने के लिए, ये पार्ट भी आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे स्टिचेस वगैरह, नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, कुछ इस तरह से सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, मैनुअल हाइट एडजस्ट के साथ आपको कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका कॉर्निंग एयरबैग्स है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका दो पैंडल मिलेंगे, ब्रेक और एक्सीलेटर और एक डेड पैंडल। यहाँ पे फ्यूल टैंक खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए, ये आपका 360 डिग्री व्यू के लिए, ये HUD के लिए, ये इंफोटेन सिस्टम की ब्राइटनेस के लिए, ये आपका हेडलाइट हाइट एडजस्ट के लिए, ये पावर ऑन ऑफ का बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप का। यहाँ पे सराउंडिंग आपको
गार्निश देखने के लिए मिलेगा, एसी वेंट, यहाँ भी सराउंडिंग आपको ग्लोसी ब्लैक देखने करेंगे स्टेरिंग से, तो इस तरह से लेदर रैप स्टेरिंग मिल जाएगा। थ्री स्पोक में ये पार्ट आपको ग्लोसी ग्रे में मिलेगा, यहाँ पे आपका स्टेरिंग एडजस्टमेंट मिल जाएगी, स्टेरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है हाई राइडर में बेस वेरिएंट से ही देखने के लिए। यहाँ पे आपका इंफोटेन कंट्रोल के बटन्स, यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल की पूरी यूनिट, यहाँ से आप अपना क्रूज कंट्रोल सेट रीसेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। टोटल इसमें हमें चार एयरबैग्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका फोन काटने उठाने के लिए, वॉइस कमांड के लिए, बीच में टोयोटा का लोगो, यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स, यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स, कुछ इस तरह से मीटर मिलेगा। एक बार ऑन कर लेते हैं, जैसे इसे ऑन करेंगे भाई, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पावर बटन प्रेस करेंगे, अरे की तो हाथ में यार। तो भाई इसकी बैटरी लो है, क्योंकि कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं तो बैटरी लो हो चुकी है, ऑन नहीं हो रहा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपने देखा हुआ पूरा ही डिजिटल MID मिलती है हमें, ये पूरी देखने के लिए देख रहूँगा, पूरी डिजिटल MID है जो हमें इसका मीटर देखने के लिए मिलता है, जिसमें TMPS वगैरह की पूरी नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपका HUD मिल जाती है, हेड अप डिस्प्ले, ये फिलहाल बंद करी हुई है, जब ऑन होगी गाड़ी जब ही खुलती है ये, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है, बोनट व्यू काफ़ी अच्छा आता है भाई इस गाड़ी के अंदर। वहीं इधर आपको 10 इंच का इंफोटेन सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपके टच बटन्स मिलेंगे म्यूजिक सिस्टम के, ये पैनल आपको ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा जो म्यूजिक सिस्टम के सराउंडिंग है, और नीचे भी दो AC वेंट, यहाँ हजार लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ, एक USB पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर, कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा ऑटो गियर ट्रांसमिशन में हमें देखने के लिए, ये पार्ट आपको ब्राउन में ही देखने के लिए मिलेगा गियर कंसोल का। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका EV मोड और ड्राइव मोड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों तो वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिलेगा जिसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IR वैम मिलेंगे, यहाँ पे आपका सनग्लास होल्डर, 2 रीडिंग लाइट्स, यहाँ सनरूफ कंट्रोल, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है काफ़ी बड़ा देखने के लिए, यहाँ पे वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट, इस साइड भी आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट, और ये पार्ट भी आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिलेगा। ग्लोब बॉक्स कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक ठाक स्पेस है ग्लोब बॉक्स के अंदर। तो भाई फ्रंट तो पूरा कवर हो चुका ड्राइवर फ्रंट, अब चलते हैं पैसेंजर सीट। जैसे ही हम पैसेंजर डोर ओपन करते हैं तो ट्रीटमेंट तो मैं पूरा दिखा चुका, जो इसका इंटीरियर थीम है पूरा ब्राउन और ब्लैक में, ये पैसेंजर ट्री मामले भी सॉफ्ट टच में मिलेगा, डोर एक्सेस हैंडल, ग्लास अप डाउन डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, नीचे स्पीकर, मोटर बॉटल स्पेस, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बीच में आपको आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे AC वेंट, नीचे 2 चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं दोनों तरफ देखने के लिए ग्रैब हैंडल्स के साथ, और 60-40 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, सीट स्प्लिट भी कर सकते हैं आप इसकी, बूट स्पेस एक्सटेंड करके बूट गेट ओपन करेंगे। भाई गाड़ी में बैटरी लो है, बूट गेट की जो भी स्पेस है मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ, पार्सल ट्रे भी मिल जाती है हमें इसके अंदर, जितना भी आपका बूट स्पेस मिलता है वो मैं डिस्प्ले पे डाल। ये था हाई राइडर टॉप ऑफ द लाइन V का इंटीरियर एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन मोटर स्पेसिफिकेशन मैं इसकी डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ, गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना। बाकी मेरा मानना यह है कि अगर आप सेल्टॉस या क्रेटा पे स्विच करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये गाड़ी कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, गाड़ी काफ़ी अच्छी पड़ेगी उन दोनों गाड़ियों के अकॉर्डिंग। बाकी सोच आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे, मैं ये नहीं कह रहा आप ये लें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।